मैं गांव का हूँ और मुझे शहर की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे आपकी वीडियो में आती है, मैं उन्हें कैसे पटा सकता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश तो बोलनी आती नहीं है, लेकिन मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। क्यों ऐसी लड़कियाँ कभी मेरे से बात भी करेंगी? सबसे आसान उपाय बताइए। पहली बात, उनको ये नहीं बताना चाहिए कि मैं गाँव से हूँ। मेरे हिसाब से हाँ, वो ज़रूर करेंगी। अगर उनको शहर की लड़कियाँ इतनी पसंद हैं तो मे बी वो उन जगहों पे जाना शुरू करें जहाँ वो आती हैं और किताबें पढ़ें या जो उन्हें पसंद है वो करें। मतलब लड़कियों को, मतलब पर्सनली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो। आई पर्सनली, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो लोग हिंदी बोलते हैं। हाँ। इंटरव्यूज़ में भी मैं अगर हिंदी बोलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और सामने इंटरव्यू भी हिंदी बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको आना चाहिए एक लड़की से बात करना। मुझे लगता है कि यू नो, बस जो आप एक्चुअली में हो बस वही आप शोकेस दिखाओ, एंड अच्छे से ड्रेस करो, एंड जो भी ट्रेंड्स वेंड्स हैं उनमें फॉलो करो, जो वो कहना चाहते हैं वही कहें। और ऐसा नहीं है शहर की लड़कियां भी पसंद करती हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, देसी चीज़ें। हाँ, पसंद करते हैं, हम सब चीज़ें पसंद करते हैं। फेक मत बनना प्लीज़, बिकॉज लड़कियों को उससे ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं लगता। पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के आओ तो फ़र्क ही पड़ेगा अगर तुम हिंदी बोलते हो इंग्लिश बोलते हो। और हंसा दो यार लड़की। हाँ भाई। सो जो भी वो कहना चाहते हैं अपने मन की बात या दिल की बात कह सकते हैं जिस तरह से वो कहना चाहते हैं। जैसे हो वैसे ही रहो, और ट्राई करो कि अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की ज़रूरत है तुम्हें, बस उसके अलावा सब हो जाएगा। रिस्पेक्ट से बात करें, जो कहना चाहते हैं अपनी बात वो सही से साफ लफ्ज़ों में कह पाएँ तो वो बेहतर होगा। उनको छोटी सी डेट पे ही ले जाएं, बेशक अच्छा, एक चाय की टपरी पे ही सही चलेगा, वो भी गोलगप्पे भी चलेंगे, बट कुछ मज़ेदार सा हो जाए, जो पहला मोमेंट हो वो अच्छा हो। और लड़कों की तरह मेरे पास पैसे नहीं है, ओके, मेरी सारी फैमिली का लोड मेरे पे है, पर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से झगड़ा करती है कि मैं उसको डेट्स पर नहीं लेकर जाता, और औरों की तरह मैं गिफ्ट नहीं देता, उसको लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊँ कि मुझे, कि वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी? प्लीज़ मैम हेल्प। पहले तो ये बहुत क्यूट क्वेश्चन है, और सेकेंड, डेट्स हर बार बड़ी जगह पे होने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे कंबल लेके पार्क में सनसेट के टाइम चले जाओ और आइसक्रीम खाओ। कंबल लेके बैठने के लिए छोड़ दो। अगर भाई, अगर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करती, अगर उसको पता भी है कि तुम्हारे ऊपर पूरा लोड है फैमिली का, क्या पता नहीं पता, सॉरी क्या पता नहीं पता? हाँ, कि मतलब तुम्हारा पूरी फैमिली का लोड तुम्हारे ऊपर है और तब भी वो बोलते हैं कि मुझे गिफ्ट्स दो। अच्छा, तुम हैंडमेड गिफ्ट्स बना सकते हो, ऐसी बात नहीं, और हैंडमेड गिफ्ट्स की ज़्यादा वैल्यू भी होती है। हाँ, तो बातें करो, ये सब करो। और रही गिफ्ट्स की बात, तो खरीदने की बजाय हम खुद भी गिफ्ट्स अपने हाथ से बना सकते हैं। छोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली। क्यों, समझाना नहीं चाहिए? नहीं, मतलब अगर वो समझ नहीं सकती तो कार्ड्स बनाओ हर छोटे इवेंट के लिए, उसे रियलाइज कराओ वो कितनी इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों से, तो दैट विल वर्क। आई थिंक अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपको समझ नहीं रही है, सो बस उसे ब्रेकअप कर लो एंड डम कर दो, बिकॉज वो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ, छोड़ के भाग जाओ। राइट, हाँ बस छोड़ दो। वो लड़की बेवकूफ़ होगी अगर वो उसे समझ ही नहीं पाई है, यानी कि आप उसे समझा ही नहीं पाए आप किस तरह के इंसान है ना। तो आप जैसे हो आप वो बताओ उन्हें, और वो लड़की अगर सही होगी आपके लिए तो वो आपको समझेगी और आपको सपोर्ट भी करेगी। हाँ, मतलब हाँ, उसको कम्युनिकेट करे कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, अगर फिर भी तुम्हें रहना है तो तुम रहो, अगर नहीं रहना तो गुड रिटर्न्स। अगर वो समझे वेल एंड गुड, बट अगर नहीं समझे तो बस। हाँ, अगर वो जिद करती है तो छोड़ तो दो, छोड़ दो, कोई और मिल जाएगी। तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं अपने फैमिली को भी देखता हूँ, शी विल रिस्पेक्ट। एक साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में, लड़की लिख रही है, ओके, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर वो मुझे बोलता है कि मैं पतली हो जाऊं। मैं बहुत मोटी हूं, पर मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे पतले होने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं? इसको छोड़ दें। जो आपको जैसे हो वैसे नहीं पसंद करता? ऑफ कोर्स यार, मैं काली हूं तो मुझे जैसी हूं मैं वैसी पसंद करेंगे ना, मैं गोरी तो हो नहीं सकती। पर वो कह रहे उनको खाना भी पसंद है। हाँ, तो मुझे भी खाना पसंद है, लेकिन मैं भी मतलब इतनी भी मोटी नहीं हूँ। खाना किसको नहीं पसंद? हाँ, मतलब खाने और मोटापे में कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो हेल्दी खाओ बेटी। हाँ, कभी कभी चीट डे भी रखो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जिम की टिप मिली। हाँ। लड़का छोड़ दो बहन प्लीज़। दुनिया में बहुत लड़के हैं, बहुत आबादी है, तुम्हें आराम से कोई लड़का मिल जाएगा जो तुम्हें वैसे ही पसंद करेगा और तुम्हें खिलाएगा, ना कि ये बोलेगा कि पतली हो जाओ। लड़की पतला होना चाहती है तो बिल्कुल होए,
लेकिन अगर नहीं हो पा रही हो और लड़का तब भी बोल रहा है तू हो मेरे को तू पसंद नहीं है ऐसे, तो फिर नहीं भाई सॉरी, दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब अपने लिए होना चाहिए। अगर उसको करना है तो करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं नहीं करनी चाहिए। आई थिंक अगर वो आपको जिस जैसे आप हो अगर नहीं करता है आपको प्यार, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, फिर कोई और मिल जाएगा। पतला होना चाहिए? नहीं नहीं होना चाहिए, खुद के लिए होना चाहिए। अगर वो खुद के लिए अगर वो खुद चाहती हैं तो जरूर। छोड़ दो भाई, मैं बोल रही हूँ छोड़ दो, मैं दिलाऊंगी लड़का एक जो आपके मोटापे से भी प्यार करे। पर वो कह रहे हैं कि वो मतलब एक साल से रिलेशनशिप में है उनके साथ, तो बट वो हो सकता है बेटरमेंट के लिए चेंज चाह रहा हो, वो डम तो नहीं कर रहा ना उसको, तो क्या लगता है आपको उनको पतला होना चाहिए? तो फिर उसको समझना ही चाहिए, फिर तो उसको बॉडी शेम नहीं करना चाहिए। अगर वो रियली उसके बेटरमेंट के लिए बोल रहा है तो कोई किसी को खाने के लिए मना नहीं करेगा। आई मीन खाना सबको पहला प्यार है, तो आई रियली थिंक आपको लड़का छोड़ देना चाहिए। और अगर आपको पतला होना है तो खुद के लिए पतले हो। हाँ। किसी और के नहीं। अगर आपको जो अपने बॉडी के साथ करना है आपकी मर्जी है, किसी और की नहीं चलती उस पे। अगर खुद होना है एंड अगर आप खुद चाहते हो कि आपको होना है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप खुद कंफर्टेबल हो आप जैसे हो तो नो नहीं। बट वो नहीं हो पाई तो वो डाउट्स तो हमेशा रहेंगे ना उसे। कोशिश करके देख सकते हो, बट हाँ उनको इस रीजन के लिए नहीं करना कि अगर हाँ मैं पतली होंगी तब मेरे साथ रहो। एग्जैक्टली। हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, इनको एक लाइन में जिन्होंने क्वेश्चन पूछे, एक लाइन में आप क्या मैसेज देना चाहिए? एक लाइन में यही मैसेज है कि किसी और के लिए खुद को कभी मत बदलना। मैंने 3 साल डेटिंग के बाद सिर्फ एक लौती चीज सीखी है कि कभी भी खुद को नहीं बदलना चाहिए। बहुत बहुत लोग हैं, बहुत जनता है, आराम से कोई भी मिल जाएगा, और वैसे भी अकेले ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ, बी योरसेल्फ, डोंट चेंज योरसेल्फ फॉर एनीबॉडी। कि अपनी लाइफ जियो एंड लोग एंड जो आपको प्यार नहीं करता उसे डम कर दो। खुद से प्यार करो, लोग खुद प्यार करने के लिए आएंगे आपके पास, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद मुझे भी ऐसा फील होता था पहले, बट अब ऐसा नहीं लगता, बिकॉज आप को लगता है कि आप खुद से प्यार करते हो और आते हैं लोग। एट लास्ट आ जाते हैं। एट एंड ऑफ द डे सिर्फ आप अपने लिए हो, किसी और को प्लीज करने की जरूरत नहीं। एक चीज और है इसमें, आपको ना अकेले एंजॉय करना आना चाहिए। आप ज़रूर किसी को ढूंढते रहते हो कि शायद ये मिल जाए मुझे मज़ा आ जाएगा, दोस्त मिल जाए मुझे मज़ा आ जाएगा, या कोई प्यार करने वाला मिल जाए। खुद के साथ मज़ा ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए ना रिलेशनशिप भी नहीं चल पाते। जब हम शादी करते हैं या बॉयफ्रेंड के साथ होते हैं तो हमें वो चाहिए होता है ताकि हम खुश रह सकें, तो खुशी का कोई कारण नहीं होना चाहिए, खुशी का कारण आप खुद होना चाहिए। अपने ऊपर डाउट मत करो यार, बहुत लोग प्यार करते हैं तुम्हें, मैं भी करती हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, हमने आप ही के सवाल जाकर लोगों से पूछे और हमें कितने मज़ेदार जवाब मिले। अगर आपको भी जवाब सुनकर मज़े आए तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि # लिट्टी परिवार अपने सवाल से पहले ज़रूर लगाना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इन वीडियो को देखना भी बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ये भी बहुत मज़ेदार है। हम फिर मिलेंगे जल्द ही अगले शुक्रवार, तब तक अपना ध्यान रखना। दिस इज़ दर्पिका साइनिंग ऑफ, बाय बाय।